हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज के दिन यानी कि 19वें दिन हम बना रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स का समापन समारोह। विश्वास तो नहीं हो रहा होगा आपको कि केवल और केवल 19 दिन के अंदर हमने फिजिक्स की 11th क्लास वाला जो पोर्शन है उसको इतने अच्छे ढंग से निपटा लिया है जितना शायद आपने पूरे के पूरे एक साल 11th क्लास के अंदर नहीं निपटाया होगा। अगर आपको वाकई ऐसा महसूस हो रहा है तो आप इस मैसेज को मुझ तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज से, राइट। तो आज इस आखिरी वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम वेव फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऐसे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि वेव्स प्रोड्यूस करती है, उनमें से एक इफेक्ट को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। बट कई बार जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें कौन सा जो फिनोमिना है उसके कंसेप्ट, उसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि अपन एक सिंगल पेज के ऊपर सारे के सारे वेव फिनोमिना को एक साथ पढ़ें, ताकि अपन एक बेटर कंपैरिजन जो है हमारे दिमाग के अंदर प्रोड्यूस कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की बिना किसी देरी के। और ये जो पहली स्क्रीन आपके सामने आ रही है, अगर ये छोटा लग रहा है आपको लिखा हुआ, तो मेरे साथ साथ आप इसको सुनने की कोशिश करें और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपके बेटर काम में आ सके। बट एक साथ इंफॉर्मेशन को अपनों को रीड करना है। तो वेव के अंदर बेसिकली हम तीन चीजों को होते हुए देखेंगे, एक कहलाएगी इंटरफेरेंस, एक कहलाएगी बीट्स और एक कहलाएगी स्टैंडिंग वेव। तीनों की कंडीशन अलग अलग है, तीनों की कंडीशन अलग अलग है। आपको इंटरफेरेंस तब दिखाई देता है जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है और डायरेक्शन भी दोनों वेव्स की सेम होती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, वो सब में लगेगा, राइट। बीट्स नाम का इफेक्ट आपको तब दिखाई देता है जब आपकी डायरेक्शन तो सेम होती है बट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है। ध्यान रखो, ये प्री कंडीशंस आपको ध्यान में लेनी है। और स्टैंडिंग वेव्स नाम का फिनोमिना आपको तब दिखाई देगा जब फ्रीक्वेंसी तो सेम हो जाएगी बट दोनों वेव्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपको अपोजिट मिलेगी, राइट। बट इसके कॉन्ट्रेस्ट में बीट्स की जो कंडीशन है वो तब प्रोड्यूस होगी जब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, जबकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन सेम होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रख के जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 sin ओमेगा t माइनस kx एंड y2 हो जाएगा a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस डेल्टा ओमेगा t। यानी कि मैंने फ्रीक्वेंसी रखी है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, राइट। तो उस डेल्टा ओमेगा टी, ये वाली जो टर्म है, ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक तरीके से फेज डिफरेंस की तरह बिहेव कर रही है। यहां पर और यहां पर अंतर केवल और केवल इतना है कि यहाँ का फेज डिफरेंस कांस्टेंट था और यहाँ पर फेज डिफरेंस खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो खुद किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर। यानी कि सेम प्लेस पर आपको अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी और मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी भी सेम प्लेस पर किसी अलग टाइम पर आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी। जैसे टी इज इक्वल टू जीरो पर आपको एम्पलीट्यूड इसके अंदर रख के देखो मैक्सिमम दिखाई देगा, फिर टी इज इक्वल टू पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा रख के देखो इसके अंदर एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका a1 माइनस a2 मिनिमम हो जाएगा, फिर टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा थोड़ा सा और टाइम बढ़ा, वापस से आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया a1 प्लस a2। तो दो बार एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम हो रहा है कॉन्सिक्यूटिवली, उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है उसको अपन बीट टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वो तो क्लियरली दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा। और बीट टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। डेल्टा ओमेगा को आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिख सकते हो, दूसरे की फ्रीक्वेंसी माइनस पहले की फ्रीक्वेंसी। और उसको अगर आप 2 पाई से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा नथिंग बट f2 माइनस f1। बहुत आसान है, बीट फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी में से लोअर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, आपको आसानी से क्या मिल जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हो रही है ये, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, दोनों फ्रीक्वेंसीज के एवरेज के इक्वल होगी, यानी कि f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगी। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है बीट के आपको एक सिंगल सेक्शन के अंदर दिखाई देगी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन जाते हुए नहीं दिखाई देगा। बीट के ऊपर जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक ट्यूनिंग फॉक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है उसकी फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करनी होती है आपको, और उसको कैसे किया जाता है ना, उसका तरीका अपन क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे। बट बीट का जो कंसेप्ट हो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इसके अलावा इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा,
फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, इतना भी अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तीसरा जो फिनोमिना है एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। तो इन दोनों के कॉन्ट्रेस्ट में स्टैंडिंग वेव में क्या चीज अलग होती है, वहां पर फ्रीक्वेंसी सेम होती है बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए, यहां पर दोनों चीजें सेम थी, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज डायरेक्शन। यहां पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस थी, डिफरेंट थी बट डायरेक्शन सेम थी, और वहां पे डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट है बट फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी y1 is equal to a sin omega t minus kx। तो पक्का दूसरे वेव की जो इक्वेशन होगी वो जाएगी a sin omega t minus kx। एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो एक नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, होगी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2a cos kx times sin omega t। यानी कि एक फंक्शन में आपको केवल और केवल x का मामला दिखाई देगा और एक फंक्शन के अंदर आपको केवल और केवल टाइम का मामला दिखाई देगा। टाइम वाले को अगर आप छोड़ दो तो जो बच गया रिमेनिंग वो बेसिकली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो पार्टिकल है उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे x इज इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2k यानी कि लैम्डा अपॉन 4 डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, या x इज इक्वल टू पाई अपॉन k यानी कि लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a, फिर अगेन 0, फिर 2a। तो इस तरीके से आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होगा। जिन जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो कहलाते हैं एंटी नोड्स, और जिन जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, जीरो है, वो कहलाते हैं नोड्स। तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही कि एक एंटी नोड और एक नोड, इन दोनों के बीच की डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल होती है, लैम्डा बाय 4 के इक्वल होती है। दो कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड्स या दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होती है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होती है। दो कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड्स या दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स, ध्यान देना, दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये तमाम बातें जो है वो आपको स्टैंडिंग वेव्स के कंसेप्ट के बारे में ध्यान में रखनी है। स्टैंडिंग वेव के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन दो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर पूछे जाते हैं। एक तो आप स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट करवा सकते हो, स्ट्रिंग को दोनों एंड्स के ऊपर टाइटली बांध दो और उनको वाइब्रेट करने की कोशिश करोगे तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के साथ आपको स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हुई दिखाई देगी। सबसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो आपको दिखाई देगी उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, यानी कि दो नोड्स बनेंगे बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों एंड्स पर, और दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होती है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा की जगह आप वी अपॉन एफ रख सकते हो, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2l, और वी की जगह आप लिख दोगे रूट टी बाय म्यू। वी की इन्फॉर्मेशन हम पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि वी किसके इक्वल होता है, रूट टी बाय म्यू के इक्वल होता है। और आगे चले जाओगे तो v किसके इक्वल होता है, 1/r√t/π, है ना, अलग अलग फॉर्म में आपने रखा था। तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फिर अगर आप थोड़ा सा और कोशिश करोगे तो आप इस तरीके की आप कॉन्फिग्रेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, तो टोटल लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, लैम्डा के इक्वल। और अगेन जब आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई देगी ट्वाइस ऑफ योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरे केस में थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो nth केस के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे दो तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना मल्टीपल होती है फ्रीक्वेंसी वो उतना हार्मोनिक कहलाता है। जैसे ये कहलाएगा सेकेंड हार्मोनिक, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये कहलाएगा nth हार्मोनिक, राइट, जितना मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और एक कहलाता है ओवरटोन। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस की जा रही है वो सारी की सारी ओवरटोन्स कहलाएगी, यानी ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये कहलाएगा सेकंड ओवरटोन, ये कहलाएगा एन माइनस वन ओवरटोन, ठीक है ना, देख रहे हो ना। यहाँ पर टू है तो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं, यहाँ पे थ्री है तो इसको अपन सेकंड ओवरटोन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर अपन एन माइनस वन ओवरटोन बोलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको कोई ओवरटोन नहीं बोला जाता, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हर ओवरटोन एक हार्मोनिक है, हर हार्मोनिक एक ओवरटोन है। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों बोल रहे हो,
तो फिर आपको अभी एक केस बताऊंगा जहां पर ऐसा नहीं होता। पहले एक और केस देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। यहाँ पर साउंड वेव के साथ सेम फिनोमिना आपको होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एंटीनोड बन रहा है, इधर एंटीनोड बन रहा है, और दो एंटीनोड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होती है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होती है। तो बिल्कुल सिमिलर केस हो गया। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, वी अपॉन 2L। फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 2V अपॉन 2L, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 3V अपॉन 2L। ऐसे nth फ्रिक्वेंसी की अपन बात करेंगे तो n टाइम्स v अपॉन 2l के इक्वल हो जाएगी। दिस केस एंड दिस केस इज सिमिलर। यहाँ पर भी आपको हर हार्मोनिक प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर ओवरटोन एक क्या है, हार्मोनिक है, हर हार्मोनिक एक ओवरटोन है। अब आते हैं अपन इस वाले केस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यहाँ पे देखो कि फंडामेंटल मोड के अंदर इधर एंटीनोड बन रहे हैं और इधर नोड बन रहे हैं, एक एंटीनोड और एक नोड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाय 4। एल किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा की जगह अपन वी अपॉन एफ रख सकते हैं, वी अपॉन 4 एफ। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन 4 एल। ध्यान देना यहाँ पर आ रही थी वी अपॉन 2 एल इन दोनों केसेस में, और इस केस में आ रही है वी अपॉन 4 एल। तो पहला डिफरेंस तो यहीं से आ गया। फिर दूसरा, जब आप इसमें दूसरे मोड पर जाओगे तो यहाँ पर बनेगा एंटीनोड, फिर यहाँ पर बनेगा नोड, फिर यहाँ पर बनेगा एंटीनोड, और फिर यहाँ पर बनेगा नोड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 हो जाएगी। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3 लैम्डा बाय 4। तो एल को आप लिखोगे 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा की जगह रखोगे 3 v अपॉन 4 एफ। एफ की वैल्यू आपको दिखाई देगी 3 टाइम्स v अपॉन 4 एल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आ गई कि यहाँ पर हमें सेकेंड हार्मोनिक प्रोड्यूस होता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा। डायरेक्ट कौन सा हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है। फिर ऐसे आप नेक्स्ट केस पर जाओगे तो फोर्थ हार्मोनिक आपको प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिखाई देगा। डायरेक्ट कौन सा हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा, फोर्थ हार्मोनिक प्रोड्यूस, फिफ्थ हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स ही प्रोड्यूस होते हैं, केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स जो होते हैं वो ही आपके ओवरटोन्स होते हैं। ये चीज बहुत अलग बनाती है इस केस को, राइट। तो ये स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर इन तीन अलग अलग केसेस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इतनी सी, केवल और केवल इतनी सी ध्यान रखनी, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट केस है, मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, वो ये है कि जब आपका ऑब्जर्वर और सोर्स ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे होते हैं, तो जो ऑब्जर्वर को फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है वो फ्रिक्वेंसी नहीं होती जो सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है, वो या तो उससे ज़्यादा होती है या फिर उससे कम होती है, जिसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट के लिए केवल और केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमेशा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टाइम्स वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस के होगी। यहाँ पर वी स्पीड ऑफ साउंड है, वी ओ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, एंड वी एस स्पीड ऑफ सोर्स है। एफ यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एफ डेस यहाँ पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है, और फिर तमाम जितनी भी अदर वेलोसिटीज है उनकी डायरेक्शन को इसी रेफरेंस के अंदर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना होता है। तो किस तरीके से ये काम किया जाता है, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये अपन सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये पूरे के पूरे जो फिनोमिनास थे वो अपनों ने बहुत ही शॉर्ट के अंदर, बट बहुत ही इफेक्टिवली एक सिंगल पेज के अंदर कंक्लूड करने की कोशिश करी है। और इतनी कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या वाकई ही डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्रैक किए जा सकते हैं, क्या वाकई ही हम वो तमाम क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं जो कि इन सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर मिक्स करके कंसेप्ट्स को या अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको केवल और केवल तब भरोसा हो पाएगा जब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या वाकई इतनी कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं या नहीं, राइट। व्हेन टू ट्यूनिंग फॉक्स आर साउंडेड टुगेदर, एक्स बीट्स पर सेकंड आर हर्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज एन। Now, when one prong of B is loaded with a little wax, the number of beats per second decreases. The frequency of port B is among this, right? तो मैंने बताया था कि जो beats है उसके ऊपर जो typical question आता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि आपको एक tuning fork जिसकी frequency unknown है उसकी frequency figure out करनी होती है using concepts of beat. तो इसको आप किस तरीके से solve करोगे, right?
तो आपको दो ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बात करा गया है, एक तो है ए और एक है बी, और ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कह दी गई है कितनी है, एन है, ठीक है, यहां तक की बात पता पड़ गई। अब आपको पता है जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के इक्वल होती है, और यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपनों को, एक्स दे रखी है। तो जो बी की फ्रीक्वेंसी है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ए की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी और एक ए की फ्रीक्वेंसी से कम होगी। इन दोनों ही केसेस में आपको डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो मिलेगा वो एक्स मिलेगा। तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो एन प्लस एक्स हो सकती है या फिर एन माइनस एक्स हो सकती है। इन दोनों का भी डिफरेंस करोगे तो एक्स मिलेगा और इन दोनों का भी डिफरेंस करोगे तो एक्स मिलेगा। तो बी की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल गई। वैसे ये क्वेश्चन आसान हो सकता है क्योंकि हमने दो ऑप्शंस को तो ऑलरेडी क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इन दोनों में से डिसाइड कर, अब ये डिसाइड करने के लिए हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है। सो नाउ वन प्रॉन्ग इज ऑफ बी इज लोडेड विद अ लिटिल वैक्स। चलो तो आपने बी के ऊपर क्या लगा दिया, हल्का सा वैक्स लगा दिया, उससे उसका मास इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज होने से उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो बी की फ्रिक्वेंसी अपने डिक्रीज कर दी, इसको भी डिक्रीज कर दिया और इसको भी डिक्रीज कर दिया। अब देखो बी की फ्रीक्वेंसी अगर अपन डिक्रीज कर देंगे ना तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इस वाले केस को देखेंगे तो बी की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ये केवल और केवल किस वाले केस के अंदर पॉसिबल है, इस वाले केस के अंदर पॉसिबल है। एक बार वापस से बता देता हूं, ए की फ्रीक्वेंसी बता दी, बी की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबिलिटीज पता हो गई, आपने बी के ऊपर वैक्स लगाया तो बी की फ्रीक्वेंसी घट जानी चाहिए, तो आपने इधर भी घटा दी और इधर भी घटा दी, और आप देख रहे हो कि इस वाले केस में आपका जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसी के बारे में क्वेश्चन के अंदर बात करी गई है, यानी कि बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो पक्का कितनी होनी चाहिए, एन प्लस एक्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस अप्रोच का यूज कर सकते हो, राइट। अपन एक दो क्वेश्चंस के अंदर और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.02 मीटर रिस्पेक्टिवली मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज। तो है तो बीट्स का क्वेश्चन बट आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, आपको तो वेवलेंथ दे रखा है। आपको पता है जो लेमडा होता है वो किसके इक्वल होता है, v अपॉन f के इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, v अपॉन लेमडा के इक्वल हो जाएगी। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी v अपॉन 2 मीटर और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v अपॉन 2.02 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी दोनों ही केसेस में आपको क्या कही गई है, सेम कही गई है, राइट। अब बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये वाला नंबर पक्का ज्यादा होगा क्योंकि आप छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे हल्के से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो पक्का जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो इसमें से इसको माइनस करने पर मिलेगी, और वो हमें कितनी दे रखी है, 2। बीट फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2 और हमारे अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f1 - f2 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है हमेशा। तो अब हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये हो जाएगा 2, v अपन ले लेंगे कॉमन, LCM लेंगे तो 2.02 आ जाएगा इधर, माइनस 2 आ जाएगा इधर, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.02। तो बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज देते हैं, वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 × 2.02 डिवाइडेड बाय, इसका और इसका डिफरेंस करोगे तो कितना दिखाई देगा आपका, 0.02 दिखाई देगा। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को 202 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा 404 हर्ट्ज़। 404 हर्ट्ज़ होगी आपकी, 404 मीटर पर सेकेंड होगी आपकी वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट्स होगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस केवल और केवल आपको थोड़ा सा जो पिछले वीडियो के अंदर पढ़ाया गया था उसकी नॉलेज को यूज किया गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैम्डा वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या था, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो आगे भी काम आता रहेगा, तो आपको ध्यान रख लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन
A tuning fork produces 4 beats per second. With another tuning fork, B of frequency 288 Hz. If fork is loaded with little wax, number of beats per second decreases. The frequency of the fork A before loading is. तो अब की बार हमें B की frequency दे रखी है. कितनी दे रखी है? 288 Hz दे रखी है. कोई दिक्कत नहीं है. और नंबर ऑफ बीट्स अपनों को दे रखे हैं 4. तो ए की फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ए 292 हो सकता है या फिर ए कितना हो सकता है, 284 हर्ट्ज हो सकता है. अब एग्जैक्टली कितना है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें जो अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे. इफ फोर्क इज लोडेड विथ लिटिल वैक्स, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया, लिटिल वैक्स इसके ऊपर लगा दिया. तो मैंने बताया था वैक्स लगाने पर फ्रीक्वेंसी घट जाती है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी. भाई आपने तो ए के ऊपर वैक्स लगा दिया ना, तो अगर ये होगी तो भी डाउन हो जाएगी, ये होगी तो भी डाउन हो जाएगी. तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पर डाउन होने पर गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है. यानी कि ऑब्वियसली आप किस वाले केस की बात कर रहे हो, इस वाले केस की बात कर रहे हो, यानी कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 292 हर्ट्ज होनी चाहिए. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरीके का यूज करते हुए. बिल्कुल कॉमन सेंस वाला तरीका है, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है. जैसा अपन दिमाग में सोचते हैं उसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. व्हेन बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड ऑफ नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी to the intensity of one of the waves will be n, where n is. तो वैसे हमने डिस्कस भी किया था और एक बार वापस से अपन देख लेते हैं. आपको कहा गया है कि beats are produced by two progressive waves of same amplitude. यानी कि पहली वाली wave हो जाएगी y1 is equals to a sin omega t minus kx, और दूसरी वाली हो जाएगी y2 is equals to amplitude same है, nearly the same frequency sin omega t minus kx plus delta omega t. ठीक है, delta omega t वाला टर्म कहां से आया है, कि आपकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी ज्यादा है. अब इस केस में जब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगाओगे, y is equals to y1 plus y2 करोगे, तो आपको जो रिजल्टेंट वेव है उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देगी. a नॉट, अपन ए नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा. यहाँ पे ए नॉट जो है वो किसके इक्वल दिखाई देगा आपको, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा ओमेगा टी के इक्वल दिखाई देगा. आपके a1 और a2 की वैल्यू तो सेम है, a और a ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू दिखाई देगी आपको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस डेल्टा ओमेगा टी. ये डेल्टा ओमेगा टी क्या है, एक तरीके से फेज डिफरेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो ऐसा तो अपनों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ये दोनों ऐड होके 2a² हो जाएंगे, वो कॉमन आ जाएगा, फिर 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी बचेगा, जिसको अपन ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं. तो आपका फाइनली एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, ट्वाइस ऑफ A, ठीक है, ट्वाइस नहीं आएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी होल अंडर रूट. और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2a² ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2. तो जब इसको फाइनली बाहर निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ ए टाइम्स कॉस डेल्टा ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ये आपको वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पर जब आप टी की वैल्यू 0 रखोगे तो ए नोट की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी निकल के आएगी, ट्वाइस ऑफ ए निकल के आएगी.
यानी कि इंटेंसिटी जो है वो कितनी निकल के आएगी, 4 टाइम्स I के इक्वल निकल के आएगी। अगर इनकी इंटेंसिटी अपन I माने जो कि A² के इक्वल होती है, A² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यानी कि I0 / I जो है उसकी वैल्यू आपको किसके इक्वल मिलनी चाहिए, 4 के इक्वल मिलनी चाहिए। तो जिस रेशियो की बात यहाँ पर करी जा रही है उस रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल होनी चाहिए। अब इसको आपको डायरेक्ट कैसे ध्यान में रखना, आप डायरेक्ट ध्यान रखो कि अगर सेम एम्पलीट्यूड और नियरली सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती है तो बीट्स नाम का इफेक्ट जनरेट होता है, और जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव के इक्वल होता है, या उसकी जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम वो 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव के इक्वल होती है। इसको डायरेक्ट एज ए फैक्ट भी ध्यान रख सकते हो, इतना सब कुछ कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक लगा के आना इस क्वेश्चन के अंदर। राइट, नेक्स्ट, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग्स प्रोड्यूस y1 इज इक्वल टू 4 sin 500 pi times t एंड y2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin 506 pi t, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट इज। तो बेसिकली हमने देखा कि यार दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ओमेगा वन हमें दे रखा है कितना, 500 पाई, तो f1 कितना हो जाएगा, ओमेगा 1/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यानी कि 250 हर्ट्ज आ जाएगा। ऐसे ओमेगा 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 506 पाई, टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा के इक्वल होता है, तो f2 हो जाएगा ओमेगा 2/2 पाई, दैट इज 253 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, 253 - 250 = 3 हर्ट्ज। अब मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे उनको ऑप्शन नंबर वन के अंदर आंसर 3 दिखाई दे रहा है और वो तुरंत इस ऑप्शन को लगा के आ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन को भी कई बार बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है। राइट, अपनों को क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट कितने होंगे। राइट, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में आपको 3 बीट्स सुनाई दे रहा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो पर मिनट जो आपको सुनाई देंगे ठीक है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 180 बीट्स पर मिनट ये आपको सुनाई देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो समटाइम्स क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आसान होता है, आप क्वेश्चन कर भी लेते हो लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो और उसकी वजह से आप गलती कर बैठते हो, तो वैसा आपको नहीं करना। राइट, आसान क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रिंग इज रिजिडेड बाय 2 एंड्स एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू cos 2π t sin 2π x, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज। तो बेसिकली आपने स्ट्रिंग को ऐसे दोनों एंड्स के ऊपर बांध दिया है, ठीक है, और इसके अंदर आप स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहे हो, क्योंकि ये इक्वेशन हमने पढ़ा था किसके इक्विवेलेंट है, स्टैंडिंग वेव के इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो टाइम वाला कंपोनेंट है और एक डिस्टेंस वाला कंपोनेंट है, तो ये जो डिस्टेंस वाला कंपोनेंट है ना ये बेसिकली किसको डिफाइन करता है, एम्पलीट्यूड को, कि अलग अलग प्लेस पर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो एक्स का कॉम्पोनेंट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, के को। तो सबसे पहले तो हमें k के बारे में पता पड़ जाएगा, k कितना है यहाँ पर, 2π, और k से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी लैम्डा की, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, 2π / k के इक्वल होता है, यानी कि 2π / 2π करोगे तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बिल्कुल फंडामेंटल मोड की अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल मोड में जो आपकी लेंथ होती है वो किसकी इक्वल होती है, लेमडा बाय 2 के इक्वल होती है। फिर अदर मोड्स की बात करें तो लेमडा फिर किसके इक्वल हो जाता है, एल किसके इक्वल हो जाता है, लेमडा के इक्वल हो जाता है, फिर 3λ/2 के इक्वल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस चलते रहते हैं। राइट, तो जो मिनिमम लेंथ है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होनी चाहिए, λ/2 के इक्वल। तो जो मिनिमम लेंथ आपकी निकल के आएगी वो λ/2 के इक्वल होगी, यानी कि 1/2 मीटर के इक्वल हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन काम आई, कि अपनों ने वो जो इक्वेशन पढ़ी थी, जो एक मैथमेटिकल एनालिसिस किया था अपनों ने,
वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से आपके नोड्स और एंटी नोड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे यूज किया। सारी की सारी पिक्चर्स हमारे दिमाग में बनी हुई है, हमने उनको अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A stretched string is vibrating according to the equation y is equals to 5 sin pi by 2x and cos 4 pi times t, where y and a are in centimeter and t is in second. The distance between the two consecutive nodes on this string is. तो अगेन जो x का कोफिशियंट है वो क्या कहलाएगा, k, और उसकी वैल्यू अब इस क्वेश्चन में कितनी है, पाई बाई टू, यानी कि लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन k, यानी कि 2 पाई अपॉन पाई बाई टू, बाई टू वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वो सेंटीमीटर में दे रखी इंफॉर्मेशन, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक की बात ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, हमने देखा था ये किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था और लैम्डा हमने निकाल लिया, तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल पीसेज हैं हर पजल के, और आपको जस्ट केवल और केवल कॉमन सेंस और हल्का फुल्का फिजिक्स का जो नॉलेज है वो ध्यान में रख के इनको जोड़ना है और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। राइट, तो इक्वेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं स्टैंडिंग वेव के ऊपर तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। राइट, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स इट्स फिक्स्ड एंड। When this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 cm from the fixed end. The speed of the wave is. तो अगेन हमें कह दिया गया है कि जहां पर फिक्स्ड एंड है वहां पर तो नोड बनता ही बनता है, ये तो हमें पता ही है, और उसे 10 सेंटीमीटर पर जाकर फिर से एक और नोड बन रहा है, तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होती है। 10 सेंटीमीटर को अपन 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। सबसे पहले तो इस पीस को आपको पकड़ना है, इस इंफॉर्मेशन को आपको पकड़ना है, ठीक है। अब लैम्डा हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लैम्डा किसके इक्वल होता है, वी डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल होता है, और आपको निकालना है v यानी कि स्पीड, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स f के इक्वल हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता हुआ दिखाई देगा आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, इतना आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sonometer wire with a suspended mass of m is equals to 1 kilogram is in resonance with a given tuning fork. The apparatus is taken to moon where the acceleration due to gravity is 1 by 6 that of Earth. The obtained resonance on the moon, the value of m should be. So, आप अर्थ के ऊपर सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको रेजोनेंस की कंडीशन दिखाई दे रही है। जब आप पूरे के पूरे अपैरेटस को उठा के मून पर ले जाओगे तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो ब्लॉक है उसका वेट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना मास चेंज नहीं होगा, कितना चेंज हो जाएगा, वेट, वेट चेंज होने की वजह से टेंशन चेंज हो जाएगी, वेट डिक्रीज हो जाएगा बाय 6 हो जाएगा, तो टेंशन भी कितनी हो जाएगी, बाय 6 हो जाएगी, और टेंशन बाय 6 होने से फिर आपको रेजोनेंस की कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन तो एग्जैक्ट डिफाइंड सिचुएशन है कि भाई इसी कंडीशन में आपको रेजोनेंस मिलना चाहिए, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो या फिर फर्स्ट ओवरटोन हो या सेकंड ओवरटोन हो, उसी पर आपको रेजोनेंस मिलना चाहिए। तो अगर आपको मून पर भी रेजोनेंस पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन को कैसे भी करके सेम रखना पड़ेगा। अब टेंशन जो होती है वो होती है मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको मैं ग्रेविटी लिख देता हूँ शॉर्ट। तो अगर आपको टेंशन को सेम रखना है तो ग्रेविटी अगर 1/6 हो रही है तो मास आपका कितना हो जाना चाहिए, 6 टाइम्स हो जाना चाहिए। अगर ग्रेविटी g/6 हो रही है
और मास 6 टाइम्स m हो रहा है, तो घूम फिर के आपकी टेंशन वापस से किसके इक्वल आ जाएगी, m इंटू जी के इक्वल आ जाएगी। फिर आपके अपैरेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वहां पर भी आपको ये रेजोनेंस की कंडीशन में दिखाई देगा। तो आपको m को कितना करना पड़ेगा, 6 गुना करना पड़ेगा, m था 1 किलोग्राम तो आपको कितना करना पड़ेगा, 6 किलोग्राम करना पड़ेगा अगर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते हो तो। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से रिलेट किया जा सकता है स्टैंडिंग वेव्स के कंसेप्ट को, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप व्हिच इज अ नॉर्मल पर्सन कैन हियर। अब देखो, एक आम आदमी, एक आम इंसान 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है। तो पहले तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज है तो ये तो 20,000 से कम है, तो ये तो आपको सुनाई देगी ही देगी। अब आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर आपको पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड मल्टीपल्स हैं केवल और केवल वो ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ऑड हार्मोनिक्स ही प्रोड्यूस होते हैं, इवन हार्मोनिक प्रोड्यूस नहीं होते। तो अगली जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी वो 1500 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4500 हर्ट्ज सुनाई देगी। ठीक है, फिर अगली फ्रीक्वेंसी आपको जो सुनाई देगी वो कितनी सुनाई देगी, और आगे चले जाओ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7500 हर्ट्ज ये आपको सुनाई देगी। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो 00510 ये आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अभी भी 20,000 से कम है। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो 005 और ये आपको सुनाई देगी। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सुनाई देगी 0055 पावर चली जाएगी 5165 हर्ट्ज। और फिर उसके बाद में जैसे ही 13 से मल्टीप्लाई करोगे 00 ये हो जाएगा 65 पावर चली जाएगी 6 एंड 13 और 6 हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो ये भी आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। एक बार वापस से देख लेते हैं, 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद में अगर अपन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर ठीक है आपका 19,500 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इतनी फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपको सुनाई देनी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय द पाइप, इससे अगली जो है फिर वो 20,000 से बाहर चली जाएगी। राइट, तो ये तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो क्या है, ओवरटोन्स है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कितने ओवरटोन्स सुनाई दे सकते हैं, 6 ओवरटोन्स और सुनाई दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है उससे क्वेश्चन को रिलेट कर दिया जाता है। यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि आपको 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती ही है, तो 20,000 तक जितने भी ओवरटोन्स उनको काउंट कर लो वो आपको सुनाई दे जाएंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसलिए आपने केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स को ही यहां पर लिया है। अगर क्वेश्चन के अंदर ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ होता तो फिर आप सारे के सारे हार्मोनिक्स को लेते, फिर आपके टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो है वो 13 हो जाते या 14 हो जाते। ठीक है, तो बस उसका ध्यान रखना है। राइट, आपको किस तरीके का पाइप आपको दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन रेजोनेटिंग ट्यूब हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। तो ओपन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, v अपॉन ट्वाइस ऑफ लेंथ l के इक्वल होती है। व्हेन हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज डिप्ड इनटू वाटर
इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर अपन लेंथ को हाफ कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। वो ऑप्शन उनको दिखाई देता है और वो करेक्ट करके आ जाते हैं। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज और हो रहा है यहाँ पर कि जब आप उसको आधा पानी के अंदर डुबो देते हो तो फिर वो ओपन ऑर्गन पाइप नहीं रहता, फिर वो कैसा पाइप बन जाता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन जाता है। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनने पर जो उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी तो सेम रहेगा। आपकी बार आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 4 times लेंथ, ठीक है, और लेंथ आपकी कितनी कर ली आपने, हाफ कर दी, एल बाय टू कर दी, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एन डैश की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन 2L। तो घूम फिर के आप देख रहे हो ये तो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप के इक्वल, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा बहुत सतर्क होने की जरूरत है, राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर गलती होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ही मत। अगर अभी तक करी है तो भूल जाओ, और अगर अभी तक नहीं करी तो ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली सबसे बड़ी गलती यही करवाई जाती है कि आपको नीट के रिलेवेंट नहीं पढ़ाया जाता, जहां पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जहां पर भी आपको पढ़ाया जाता है। उसके बहुत सारे कारण है यार, मतलब जो महंगी फीस है उसको जस्टिफाई करना होता है, बहुत बहुत सारे कारण है यार, ठीक है ना। बट आपको तो नीट क्रैक करना है, और आपको केवल और केवल नीट के रिलेवेंट क्वेश्चन अगर करने हैं तो वो आपको मोस्ट वॉन्टेड सीरीज के अंदर मिलेंगे। आपको आसान लगेंगे क्योंकि आपके सामने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट ही इस तरीके से किया जा रहा है, और आसान है भी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज डबल्ड एंड डेंसिटी इज हाफ, देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। तो देखो, सोनोमीटर वायर के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती थी वो होती थी 1/2L रूट टी डिवाइडेड बाय न्यू। कि रूट टी डिवाइडेड बाय न्यू कहाँ से आता था, ये आता था हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग से। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग को दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, या तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/r अंडर रूट टी टाइम्स पाई इनटू डू। तो ये रेडियस और डेंसिटी की फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जब अपन इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2L टाइम्स 1/r दैट इज रेडियस ऑफ वायर डी डिवाइडेड बाय पाई इनटू। अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अब जो जो कहा गया है ना वो कर दो। तो आपकी जो चेंज हुई फ्रीक्वेंसी होगी, आपने क्या कर दिया, सबसे पहले सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डबल, टेंशन को डबल कर दिया, लेंथ के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो इसको तो अपन 1/2L। डायमीटर आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो डायमीटर डबल कर दिया मतलब रेडियस भी डबल हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ आर कर दिया। टेंशन को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये ट्वाइस ऑफ टी हो गई। और डेंसिटी को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये रो डिवाइडेड बाय टू हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 बन जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एफ डैश वापस से आपको कितना दिखाई देगा, 1/2L 1/r रूट टी डिवाइडेड बाय पाई इनटू रो के इक्वल दिखाई देगा। और इससे फिर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपकी जो चेंज हुई फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, एफ के इक्वल। यहाँ पे f की जगह n यूज कर रखा है, तो आपको वापस से फ्रीक्वेंसी कौन सी दिखाई सुनाई देगी, n सुनाई देगी, राइट। तो ये इस तरीके की जो क्वेश्चन है, अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करता तो यहीं पर इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती, बट हमने क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखा था, और यही फायदा है कि जब आप बहुत कम टाइम इंटरवल के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ अपने सामने देखते हो तो एक कोरिलेशन जो है ना वो बहुत बेटर हो जाता है। मोस्ट वॉन्टेड सीरीज के वन ऑफ द प्रिंसिपल्स में से एक है जिसके ऊपर हमने इस सीरीज को डिजाइन किया, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए, अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इस सीरीज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
इफ ऑब्जर्वर फाइंड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम सोर्स एज 1950 हर्ट्ज, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विल बी। तो ये तो बहुत ही अच्छे से आप दोनों ने सीखा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टाइम्स वी प्लस माइनस वी यू एंड वी प्लस माइनस वी एस के इक्वल होती है। वी यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, वी ओ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और वी एस आपको वेलोसिटी ऑफ सोर्स है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब बात आती है साइन की, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाने वाली जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और उसके रेफरेंस में फिर सारी की सारी वेलोसिटीज की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब देखो ये हो गया एफ, ये एफ हमें निकालना है, इस एफ डैश की वैल्यू हमें दे रखी है 1950 हर्ट्ज, वी हमें दे रखा है 340। अब ऑब्जर्वर से सोर्स की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव लेते हो आप, तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी अपने को नेगेटिव लिखनी है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -50। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 340। आप देखो कि सोर्स तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको करना है +50। सॉल्व करना है केवल क्यों, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1950, ये चला जाएगा ऊपर तो 355, और ये आ जाएगा नीचे 325। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर दिमाग लगाओगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर ये हो जाएगा 235, एंड हाँ इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 325 से, और 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, पावर चली जाएगी 3, फिर 33, पावर चली जाएगी 3, एंड फिर 21, यानी कि 2130 इतने हर्ट्ज थी आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बट डॉपलर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, उसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, राइट? आ रहा है समझ में? तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख लो। डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, और वो केवल और केवल इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसको कनेक्ट किया जा सकता है बीट्स के कंसेप्ट के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बीट्स के साथ कैसे मिक्स किया जा सकता है इसको। टू साउंड सोर्सेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, एन ऑब्जर्वर व्हेन मूविंग बिटवीन बोथ सोर्सेस हियर्स 4 बीट्स पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स इज नाउ चेंज्ड टू 400 मीटर, देन बीट्स पर सेकेंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि ऑब्जर्वर को बीट्स आखिर में सुनाई ही क्यों देंगे। तो आपके दो सोर्स हैं, ये आपका पहला सोर्स है और ये आपका दूसरा सोर्स है, दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है, और बीच में कहीं ऑब्जर्वर है, एंड ऑब्जर्वर व्हेन मूविंग बिटवीन बोथ दी सोर्सेज हियर्स, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये किसी एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों सोर्सेज हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये भी एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट कर रहा है और ये भी एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट कर रहा है, बट एक सोर्स को तो आपका ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है और एक सोर्स से आपका जो ऑब्जर्वर है वो रिसीड मतलब दूर जा रहा है, तो जिसको अप्रोच कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी तो उसको इंक्रीज्ड सुनाई देगी, और जिससे दूर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उसको डिक्रीज्ड सुनाई देगी, और दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होने की वजह से ही उसको क्या सुनाई देंगे, बीट्स सुनाई देंगे, ठीक है। तो बीट्स केवल और केवल इस वजह से सुनाई देते हैं क्योंकि यहां पर डॉपलर इफेक्ट वर्क कर रहा है। अब द डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स इज नाउ चेंज्ड टू 400 मीटर, अब यहां पर केवल और केवल जो डॉपलर इफेक्ट है उसके अंदर केवल और केवल रिलेटिव वेलोसिटीज काउंट होती है ऑब्जर्वर और सोर्स की, उनके बीच की डिस्टेंस काउंट नहीं होती। तो अगर आप डिस्टेंस को सपोज करो इंक्रीज भी कर दोगे तो भी ऑब्जर्वर को जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रहे हैं उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड अभी भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, राइट?
ये इन्फॉर्मेशन आप आसानी से यूज कर लोगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल। द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 335 मीटर पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय अ पैसेंजर ऑन द बस इज। तो देखो ये आपकी दीवार है और ये है आपकी बस, ठीक है। जो बस है वो दीवार की तरफ मूव करती है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी से मूव करती है। द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज। तो यहां से जो आपका साउंड सुनाई दे रहा है वो कितना है, 165 हर्ट्ज है। अब एक तरीके से ये सोर्स हो गया और यहां पर आप किसको बैठा दो, ऑब्जर्वर को बैठा दो, ठीक है। ऐसा मान लो कि दीवार पे कोई ना कोई क्या बैठा है, ऑब्जर्वर बैठा है। तो सबसे पहले इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये अपन निकालते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपनों को दे रखा है 335। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, तो आप देख रहे हो ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, यहां तो आ जाएगा +0। और सोर्स जो है हम ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो सोर्स इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है, यहां पर आ जाना चाहिए 335 - 5। तो ये आ जाएगा एफ टाइम्स 335 डिवाइडेड बाय 335 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, केवल और केवल 330 बच जाएगा। तो इतनी आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब अगला जो पार्ट होगा उसमें आपका जो साउंड है वो सबसे पहले तो आके टकराएगा और फिर टकरा के वापस से क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ से रवाना हो जाएगा। तो आपके बाद ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो आपकी बार ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो एफ डबल डैश अगर तुम निकालोगे तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी एफ डैश। अब की बार सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो सोर्स स्टेशनरी है इसका मतलब है यहां तो आ जाना चाहिए 335 + 0। अब की बार ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर से सोर्स की डायरेक्शन ये पॉजिटिव हो गई, तो आप देख रहे हो कि आपका सोर्स जो है, जो ऑब्जर्वर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है, यानी कि 335 + 5 ये आपका क्या हो जाना चाहिए, फाइनल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो हमने एफ डैश की वैल्यू तो निकाल ली थी, हम एफ डबल डैश की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एफ डैश की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय 340, पहले ये रखते हैं एफ डैश पूरा रखते हैं। तो यहां पर एफ डैश की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ टाइम्स 335 डिवाइडेड बाय 330, और ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 335। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 34f डिवाइडेड बाय 33 आएगा। जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, इस हायर फ्रीक्वेंसी में से इस लोअर फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ डबल डैश माइनस एफ डैश, ठीक है। अच्छा सॉरी एक मिस्टेक यहां पर हुई, हमें ये कहा गया है कि पैसेंजर को कितने बीट सुनाई देंगे। तो देखो पैसेंजर को दो साउंड सुनाई देंगे, एक तो पैसेंजर को खुद बस का जो ओरिजिनल साउंड है वो सुनाई देगा क्योंकि वो तो बस के अंदर ही बैठा है, और एक दीवार से टकरा के जो एको, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड आ रहा है वो उसको सुनाई देगा। तो बेसिकली जब हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी में से हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है एफ टाइम्स 34 डिवाइडेड बाय 33, और इसमें से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ को हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि ये हो जाएगा एफ टाइम्स 34 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 1 करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 33 आ जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 165 हर्ट्ज, तो 165 * 1 / 33 करोगे, इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा,
बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल निकल के आएगी आपकी 5 बीट्स पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वेव्स के चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो इन कैटेगरी के क्वेश्चंस में से आपको दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यूज करनी पड़ रही है, एंड दे विल बी कंसिडर्ड अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। और इसके लिए आपको फिर जो एडवांटेज मिलेगा, हालांकि वेटेज तो उतना ही होगा, बट नॉर्मली ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में से माने जाएंगे जो रैंक डिसाइड करेंगे, राइट। तो आपको पूरा फैक्ट जो है वो दिखाई देना चाहिए, और यही आपको कोशिश करी गई है आज की इस वीडियो के अंदर। तो आपको फिर क्वेश्चंस करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 30 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रेन ए हो गई, ये जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये ट्रेन बी हो गई, सेम डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। B is behind A and A blows a horn. तो B जो है वो पीछे है, तो अपन को ये डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ये इधर जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। अब B पीछे हो गई, ठीक है। B is behind from A and A blows a horn of frequency 450 hertz. बेसिकली ये बन गया आपका सोर्स, और इससे 450 हर्ट्ज का एक साउंड जो है वो बाहर निकल रहा है। देन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन ट्रेन बी, तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जर्वर, ये बन जाएगा आपका सोर्स, ठीक है। ऑब्जर्वर से सोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करी जाती है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड, कितना लेना है आपको 330 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर सेम पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा +10, और सोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा +30। आपका आंसर आ जाना चाहिए 450 मल्टीप्लाइड बाय 340 डिवाइडेड बाय 360, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन 9 से कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और ये 50 टाइम्स चला जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 25 टाइम्स चला जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करें तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा, और 25 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175, पावर चली जाएगी 17, 25, 10, 35 and 7, 42, 425 hertz, इतनी फ्रीक्वेंसी जो है आपको सुनाई देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, कंसेप्ट आपको सबको पता पड़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेशनरी सोर्सेज ईच एमिटिंग वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम वन सोर्स टू अदर विथ वेलोसिटी यू, then number of beats heard by him. So two stationary sources each emitting waves of wavelength lambda. तो यहाँ पर एक सोर्स है S1, ठीक है, और इसकी जो each emitting waves of wavelength lambda, इसकी जो wavelength है वो है lambda, यानी कि इसकी जो frequency है वो कितनी हो जानी चाहिए। तो हमें पता है lambda जो होता है वो v upon f के equal होना चाहिए, तो frequency हो जानी चाहिए v upon लैम्डा, इतनी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो बाहर निकल रहा है। एंड ऑब्जर्वर ये मूव नहीं कर रहा है ना, तो इसको मूव नहीं कर रहा है, इसके केवल और इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक और दूसरा सोर्स है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वी अपॉन लैम्डा हो गई। अपन साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ले लेते हैं, राइट, ठीक है, चलो यहां तक की बात तो हमें आगे समझ में, दोनों सोर्सेज हो गई। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम वन सोर्स टू अदर moving from one source to another, तो ये observer जो है वो इस source से source की तरफ जा रहा है with speed u, ये दोनों भी stationary। Then number of beats heard by him, तो अभी हमने देखा था कि ये इसको approach कर रहा है, तो यहाँ तो frequency बढ़ जाएगी, तो ये frequency आ जाएगी आपकी original frequency, that is f times v plus
ऑब्जर्वर से सोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्जर्वर भी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो v प्लस यू डिवाइडेड बाय v, सोर्स टू स्टेशनरी। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा f2, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई f। अब की बार ऑब्जर्वर से सोर्स की ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे v माइनस यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय v। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये हायर फ्रीक्वेंसी होगी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, तो वही गेट फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी एफ वन माइनस एफ टू। तो अपन एफ टाइम्स वी प्लस यू डिवाइडेड बाय वी इसमें से माइनस कर देंगे, एफ टाइम्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाय वी। चलो एफ तो कॉमन आ गया, अपॉन वी भी कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया वी प्लस यू माइनस v, और माइनस माइनस प्लस होकर हो जाएगा u, v से v कट गया, तो यहाँ पे बचेगा f अपॉन v टाइम्स 2u। अब f की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, v अपॉन लैम्डा, तो v अपॉन लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन v टाइम्स 2u, v से v कट गया, तो फाइनली आपका आंसर आ जाना चाहिए 2u अपॉन लैम्डा। इतनी उसको क्या सुनाई देगी, v फ्रीक्वेंसी होगी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे, इनके जरिए आपने पूरे के पूरे वेव्स का जो चैप्टर है, पिछला वीडियो हो गया और आज का जो वीडियो हो गया, आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस और इन दोनों वीडियोस के जरिए आपने पूरी की पूरी जो वेव्स की टेरिटरी है उसको कवर कर लिया है। अब आपको अपना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए इस चैप्टर के ऊपर जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ यार मुझे सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। और बिलीव कीजिए, और आपको 100% अश्योरेंस मिलता है कि नीट के अंदर जो क्वेश्चंस दिखाई देंगे इस चैप्टर के अंदर से, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस से मिलते जुलते होंगे। तो आपको अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है किसी भी कंसेप्ट को समझने में, तो 1 घंटे का वीडियो है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, इसके किसी पर्टिकुलर पोर्शन को भी दोबारा देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो, इन सेम क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर सकते हो एटलीस्ट, राइट। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।